का चुन करके जीत करके आए हैं 70,000 लोग, पंचायतें और पंचायत समितियां 6,700 पंचायतें हैं, एवरेज 10-11 पड़ जाते हैं, तो 70,000 प्रतिनिधि हमारे 2.25 करोड़ जो वोटर्स हैं उन्होंने चुना है कि सब ठीक ठाक शांतिपूर्वक हो गया, पीसफुल। मैंने कहा हाँ, कोई झगड़ा क्लैश कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये विशेषता इस देश की संविधान निर्माताओं ने हमको दी है, इसको बचा के रखना है। इसको बचा के रखने के लिए जो निराश लोग होते हैं, हताश लोग होते हैं, सत्ता हाथ में नहीं आई तो किस सीमा तक चले जाते हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी और उनको इसमें तभी उनको हम सबक सिखा सकते हैं जब उनको दूर रखेंगे। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाओ हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटे, मीडिया में जाए, लोगों के सामने बात रखने में कोई है नहीं। हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। तुमको अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो केवल लोकसभा में बचती ऐसा नहीं है, केवल विधानसभा में डेमोक्रेसी बचती ऐसा नहीं है, स्थानीय निकाय में भी हमको ये सबक देना पड़ेगा कि जिस विचार के लोग डेमोक्रेसी पर हावी होना चाहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो नहीं चलने देंगे, उनको सबक यहां बैठ के भी सिखा सकते हैं। और टाइम की भी बात होती है, क्योंकि आज विधानसभा लोकसभा नहीं है, अगर ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव आज होता तो उसके माध्यम से बताते, लेकिन आज चूंकि स्थानीय नगर निगम का चुनाव है तो इस समय हमको बताना पड़ेगा कि धींगा मस्ती वाले लोग हमको नहीं चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।